नमस्कार। इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बनी हुई है। शुरुआत इसकी हुई थी बगदाद से, जब अमेरिकी सेना ने हमला किया था बगदाद एयरपोर्ट पर। ईरान के इलाका बगदाद है, वहाँ उस एयरपोर्ट पर, और उसमें जो ईरान के सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई, उसके बाद से ईरान ने चुप बैठना लाजमी नहीं समझा। और ऐसे में आज सुबह तड़के में ईरान ने इराक में अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमला कर दिया और दावा किया है कि इसमें 80 लोग मरे हैं, जिनमें 20 अमेरिकी आतंकी, जैसा कि ईरान कह रहा है, वो शामिल हैं। अब इस तनातनी के बीच, दोनों देशों के बीच नंबर गेम खेला जा रहा है। दरअसल नंबर गेम क्या है वो जरा आप समझिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था, और ट्वीट के जरिए उन्होंने ये बताया था कि उनके निशाने पर ईरान के 52 स्थान हैं। यानी कि अगर ईरान कोई हरकत करेगा तो उन 52 जगहों पर हमला किया जाएगा अमेरिका की ओर से। लेकिन दूसरी ओर जो ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, वो भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने अगले दिन ट्वीट दाग दिया और अमेरिका को याद दिला दी संख्या 290 और कहा कि कुछ भी करने से पहले संख्या 290 याद रखे अमेरिका। और आखिर में क्या वो नंबर गेम है जो इन दोनों देश के नेताओं के बीच खेले जा रहे हैं? तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के नंबर गेम 52 यानी 52 से। 52 नंबर का जिक्र क्यों किया डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में, तो आपको बता दें ट्रंप ने इन ठिकानों की संख्या के पीछे की वजह उन 52 अमेरिकी नागरिकों को बताया जिन्हें कई साल पहले ईरान ने बंधक बनाया था। ट्रंप ने ईरान को 1979 की यह घटना याद दिलाते हुए कहा था कि अगर ईरान अब किसी अमेरिकी नागरिक या संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है तो वह चिन्हित 52 ठिकानों पर जोरदार हमले करेगा। ट्रंप ने कहा था कि हम 52 ठिकानों को निशाना ईरान द्वारा बंधक बनाए गए 52 अमेरिकी बंदियों की याद में बना रहे हैं। तो दूसरी ओर हसन रूहानी ने देर नहीं की, जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट दाग दिया और नंबर 290 याद दिला दिया अमेरिका को। ट्रंप ने ईरान को 52 ठिकानों की धमकी दी तो, और उधर राष्ट्रपति हसन रूहानी ने जवाब दिया जो नंबर 52 का जिक्र कर रहे हैं ट्रंप, उन्हें 290 की संख्या भी याद रखनी चाहिए। #IR655 के साथ अपने ट्वीट में हसन रूहानी ने यह भी लिखा कि ईरान को कभी मत धमकाना। अब ऐसे में क्या है 290 का कनेक्शन, वो मैं आपको बताता हूँ। यह 3 जुलाई 1988 को अमेरिकी सेना ने ईरान के विमान IR655 को निशाना बनाया जिसमें सवार सभी 290 लोगों की मौत हो गई। इसमें क्रू मेंबर और 66 बच्चे भी शामिल थे। ये वो वक्त था जब ईरान और इराक के बीच युद्ध अपने अंतिम चरण में था और अमेरिका इराक के सद्दाम हुसैन का साथ दे रहा था, जिसके मद्देनज़र अमेरिकी नेवी इलाके युद्ध क्षेत्र में तैनाती पर थे। हालांकि जो ये विमान निशाना बनाया गया था अमेरिकी सेना की ओर से, ये जानबूझकर निशाना बनाया गया था जिसमें 290 लोगों की मौत हुई थी। तो जो हसन रूहानी है उन्होंने कहा कि आप 52 जगहों को ठिकाना बनाएंगे तो हम 290 जगहों को ठिकाना बनाएंगे, आप अगर अपने व्यक्तियों का बदला लेना चाहते हैं तो हम भी अपने व्यक्तियों का बदला लेना अच्छे तरीके से जानते हैं। कुछ ये इंटेंट था इन दोनों ही नेताओं का इस नंबर गेम को लेकर। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच जो स्थिति बनी हुई है वो बेहद चिंताजनक है और तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि जो स्थिति फिलहाल है इन दोनों देशों के बीच वो ये साफ बताती है कि हालात और भी ज़्यादा गंभीर होने वाले हैं आने वाले समय में। खैर, इस मामले से जुड़ा जो अपडेट आएगा मैं आपको दूंगा। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।